अब देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। सूची में सभी 294 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। मुख्यमंत्री ममता का नंदीग्राम से चुनाव लड़ना तय। टीएमसी की सूची में नंदीग्राम से ममता का नाम। पश्चिम बंगाल में 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी टीएमसी। 3 सीटों पर टीएमसी के सहयोगी दल का होगा उम्मीदवार। टीएमसी ने 50 सीटों पर उतारे महिला उम्मीदवार। ममता बनर्जी ने किया ऐलान। भवानीपुर सीट पर भ्रम हुआ दूर। सीएम ममता यहां से नहीं लड़ेंगी चुनाव। भवानीपुर से शोभन देव चैटर्जी को मिला है टिकट। वित्त मंत्री अमित मित्रा का कटा टिकट। टीएमसी की सूची में नाम नहीं। टीएमसी के करीब 28 विधायकों का टिकट कटा। क्रिकेटर मनोज तिवारी को मिला टीएमसी का टिकट। हावड़ा को केशवपुर सीट से लड़ेंगे चुनाव। अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी को बांकुरा से मिला टीएमसी का टिकट। नंदीग्राम से टीएमसी तैयार कर रही है सीएम ममता का आशियाना। रियापाड़ा में एक घर को साफ सफाई कर ममता के ठहरने का किया जा रहा है इंतजाम। पश्चिम बंगाल में स्वाद पर भी चढ़ा चुनावी जायका। मिठाई पर दिखे चुनावी सिंबल। कोलकाता में मिठाई की एक दुकान पर संदेश। शॉप पर दिखे हर पार्टी के चुनाव निशान। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने 60 सीटों पर कर ली है चर्चा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने किया है विचार। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम समेत लगभग 15 सीटों पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा पर छोड़ा गया है। पहले दो चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम हो रहे हैं तय। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी होंगे उम्मीदवार। बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। ममता बनर्जी को कम से कम 50,000 वोटों से हराने का दावा। बंगाल पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग में पीएम मोदी, नड्डा और शाह भी मौजूद। एक दो दिन में सामने आ सकते हैं उम्मीदवारों के नाम। बैठक के बाद बाबू सुप्रियो ने कहा हार के डर से ममता बनर्जी दो जगहों से लड़ रही है चुनाव। हालांकि ममता बनर्जी सिर्फ एक जगह से लड़ेंगी चुनाव, अब ये ऐलान किया गया है। बैठक में पीएम ने बंगाल के नेताओं से कहा बीजेपी नेता अपनी भाषा में मर्यादा रखें और बेवजह के बयान नहीं दें। मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा सामूहिक नेतृत्व में होगा चुनाव। नतीजों के बाद नाम पर फैसला। बैठक के बाद बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा टीएमसी के एक साथ उम्मीदवार के नाम के ऐलान से कोई फायदा नहीं। बहुत पहले उन्होंने कर दिए थे लेकिन नतीजा क्या आया? एक दर्जन सीट गायब हो गया। तो आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले अगर वो घोषणा करें? घोषणा कब करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केरल में श्रीधरन के बीजेपी के सीएम उम्मीदवारी की चर्चा। केरल के बीजेपी अध्यक्ष ने इसे मीडिया कॉन्ट्रोवर्सी करार दिया। पीएम मोदी ने DPIIT और नीति आयोग के वेबिनार को किया संबोधित। कहा यह वक्त गंवाने का नहीं पाने का है। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। लोगों की दिक्कतें सुनी। यूपी सरकार का ऐलान हर विधायक को विकास फंड के लिए मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। हैदराबाद में BJYM कार्यकर्ताओं ने उठाया फीस बढ़ोतरी का मुद्दा। इंटरमीडिएट बोर्ड के सामने किया प्रदर्शन। सुशांत या ड्रग कनेक्शन के केस में आज NCB ने कोर्ट में दाखिल की पहली चार्जशीट। चार्जशीट में 33 आरोपियों के नाम। सुशांत रिया ड्रग कनेक्शन में जुड़े केस में एनसीबी ने रिया और उसके भाई शौविक को बनाया आरोपी। चार्जशीट में दोनों के नाम। एनसीबी की चार्जशीट में दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, चित्र प्रसाद का भी नाम शामिल। गिरफ्तार किए गए कई ड्रग पैडलर भी चार्जशीट में शामिल। एनसीबी ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर के बयानों को चार्जशीट का बनाया है हिस्सा। कोर्ट में दाखिल की गई एनसीबी की चार्जशीट कुल 12,000 पेज की। चार्जशीट में 200 गवाहों का बयान दर्ज। क्वांटम फिल्म की टैक्स चोरी के मामले में तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी। मुंबई में क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस में छापा। देर रात छापेमारी के वक्त जया शाह भी मौजूद थी। एक अभिनेत्री और मुंबई की दो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ठिकानों पर छापे हुए हैं। अभिनेत्री के पास से 5 करोड़ नकद लेन देन के सबूत। इनकम टैक्स के मुताबिक 350 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में जांच जारी। दो बड़े प्रोडक्शन हाउस भी रडार पर। आयकर विभाग ने कंपनियों के दफ्तरों से ईमेल, हार्ड डिस्क समेत डिजिटल डेटा जब्त किया। 7 बैंक लॉकर भी सीज। विक्रम मोटवानी और विजय सुब्रमण्यम के घर भी छापा। टैक्स अदा करने में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। आधी रात से जनता पर महंगाई की एक और मार। लोकल ट्रेन के 3 गुना बढ़े किराए की दरें लागू। अब पैसेंजर ट्रेन की जगह एक्सप्रेस ट्रेन का देना होगा किराया। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम भी 3 गुना बढ़ गए हैं। आधी रात से लागू हुआ रेलवे का फरमान। महंगाई पर राहुल गबार ट्वीट किया केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में धकेल रही है।
गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। कल आंदोलन के 100वें दिन बीकेयू नेताओं की केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करने की तैयारी। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक लगाएंगे जाम। सिंगो बॉर्डर पर भी डटे हुए हैं किसान। कृषि कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज चाल जारी। 24 घंटे में 8,998 नए मामले। महाराष्ट्र में 60 लोगों ने कोरोना से गवाई अपनी जान। राज्य में 85,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में भी लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 260 नए मामले। दिल्ली में पिछले एक दिन में एक मरीज की मौत। राजधानी में 1,701 सक्रिय मामले। देश में 16,838 नए कोरोना के केस। 113 की मौत। मुंबई के अंधेरी में राधाकृष्ण रेस्टोरेंट के 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। बीएमसी ने 2 दिनों के लिए बंद किया रेस्टोरेंट। मुंबई में बीजेपी नेता और पार्षद नितिन तेलवणे गिरफ्तार। एक महिला ने घर में घुसकर छेड़खानी का लगाया था आरोप। गिरफ्तारी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। श्रीकाकुलम में हैंडमेड 40 बम बरामद। पुलिस के मुताबिक 2 गुट आपस में एक दूसरे पर हमले की बना रही थी योजना। मुख्तार अंसारी के बेटे को पूछताछ के लिए हजरतगंज कोतवाली किया गया तलब। कई घंटे तक किए गए सवाल। इटावा में एक मनोरोगी से भिड़ने की दरिंदगी। चोर समझकर बुरी तरह से पीटा। अस्पताल में मौत। दिल्ली के शकुरपुर में महिला ने 2 बच्चों की हत्या कर खुदकुशी की। पुलिस के मुताबिक घर नहीं जा पाने से थी परेशान। गाजियाबाद के साहिबाबाद और मोदी नगर इलाके में जौहरियों की दुकान का शटर काटकर लाखों की चोरी। 4 आरोपी गिरफ्तार। 6 किलो चांदी और 2.5 लाख कैश बरामद। यूपी के बाराबंकी में जलाभिषेक करने जा रहे कांवड़ियों के जत्थे में चाकूबाजी। 1 कांवड़िए की मौत। 2 घायल। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ किया डांस वीडियो वायरल। कैप्टन अमरिंदर की पोती की शादी में किया गया डांस। उधर हरिद्वार में कार गंगा में गिरी। 4 लोगों की डूबने से 4 लोग डूब गए। अकोला के टिम्बर मार्केट में लगी भीषण आग। 6 दुकानें जली। इंदौर में कुंड में डूबने से 2 बच्चों की मौत। झरने से बने कुंड में नहा रहे थे छात्र। अरुणाचल में लाखों की ड्रग्स बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। अलीगढ़ में मकान में चल रही फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का नुकसान। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चलने पर सवाल। राजौरी में सेना के जवान की खुदकुशी का बुलंदशहर में गूंजा मुद्दा। परिजनों ने किया प्रदर्शन। कनाडा में चला भंगड़े का जादू। डांसर ने वैक्सीन लगवाने के बाद बर्फीली झील पर किया भांगड़ा। जमशेदपुर में बच्चों को फिर से स्कूल की तरफ खींचने की अनूठी पहल। स्कूल के बाहर बनाया विशाल लूडो। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों ने बनाया सिलेंडर लॉक। नहीं हो पाएगी गैस की चोरी। मेरठ का टीपी टाउन बना वेस्ट यूपी का पहला हाईटेक पुलिस स्टेशन। लगे हैं 16 सीसीटीवी कैमरे। कोने कोने पर नजर। झांसी से लौटे अखिलेश यादव। सैफई में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कहा 2022 में सरकार बनाने के लिए अभी से कसे कमर। देवरिया में एक युवक ने बाइक में रखे 2.5 लाख रुपए उड़ाए। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। यूपी में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने प्रयागराज कोर्ट में किया सरेंडर। अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी धनंजय पर पुलिस ने जारी किया था 25,000 का इनाम। फरीदाबाद पुलिस ने हथियार समेत 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक गैंगस्टर की हत्या की बना रहे थे साजिश। आगरा में पुलिस ने एक शख्स को हॉक्स कॉल पर किया गिरफ्तार। ताजमहल में विस्फोटक की झूठी सूचना दी थी। नेपाल में पीलीभीत के एक शख्स को पुलिस ने मारी गोली। मौके पर मौत। 2 दोस्तों के साथ नेपाल गया था गोविंदा। नेपाली पुलिस के साथ हुई थी अनबन। शव नेपाल के अस्पताल में। यूपी के जालौन में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापा। लाखों का माल जब्त। यूपी के भदोही में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 2 बदमाशों को गोली लगी। बिहार के शिवहर में अज्ञात युवक का मिला शव। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। लखीमपुर खीरी में 4 शिकारी गिरफ्तार। पुलिस और दुधवा टाइगर प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। अयोध्या में 2 वायरल वीडियो को लेकर पुलिस सतर्क। दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच। दरभंगा में पुलिस और पत्थरबाजी करने के 4 आरोपी गिरफ्तार। हमले में घायल हुआ था पुलिस का 1 जवान। यूपी के बिकुकांड में नया खुलासा। विकास दुबे ने अमेरिका की प्रथम विश्व युद्ध वाली ऑटोमैटिक स्प्रिंगफील्ड राइफल से पुलिस पर किया था हमला। ऑटोमैटिक स्प्रिंगफील्ड एक बार में 10 राउंड करती है फायर। गन हाउस मालिक ने गलत ढंग से बेची थी राइफल। मिर्जापुर में शराब पीने से 2 की मौत। घटना के बाद अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी।
बिहार के फतुहा में छेड़खानी के विरोध पर हत्या के मामले में वीडियो वायरल, पीड़ित के घर के बाहर हथियार के साथ दिखे आरोपी। यूपी के संभल में दलित के साथ रेप, पीड़ित ने की खुदकुशी, पीड़ित परिवार को लगातार मिल रही थी धमकी। दिल्ली एयरपोर्ट पर मिठाई के डिब्बों से मिले अमेरिकन डॉलर, काबुल से आई दो महिलाएं गिरफ्तार की गई। जूनागढ़ में जाल में फंसा शेर का बच्चा, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। बिहार के आरा में बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या, गेहूं पिसवाने घर से निकला था बुजुर्ग, गांव के ही दबंगों पर हत्या का आरोप। देवास में भागवत कथा के दौरान मंदिर में पकड़ी गई 11 महिला चोर, जमकर हुई धुनाई, बाद में पुलिस को सौंपा। मेरठ में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई, अवैध भट्टियों पर छापेमारी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सरकारी अस्पताल की लापरवाही, बदले गए शव, परिवार वालों का हंगामा। दिल्ली के द्वारका इलाके में दर्दनाक हादसा, आपस में टकराई दो कारें, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बात अब क्रिकेट की। चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को पहली पारी में 205 पर ऑल आउट करने के बाद टीम इंडिया का स्कोर 220 के पार, 6 विकेट का नुकसान। ओपनर शुभमन गिल और कप्तान विराट कोहली पहली पारी में नहीं खोल सके खाता, शून्य पर लौटे पवेलियन। पुजारा और रंजी की रहाणे का भी नहीं बोला बल्ला, पुजारा 17 रनों पर लंच का बने शिकार, रहाणे 27 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा 49 रन बनाकर हुए आउट, अश्विन भी 13 रन पर लौटे पवेलियन। ऋषभ पंत क्रीज पर डटे, अर्धशतक बनाकर नाबाद। उधर अमेरिका में पुलिस की बर्बरता पर लगाम लगाने वाला पुलिस रिफॉर्म एक्ट संसद के निचले सदन में पास, जॉर्ज फ्लॉयड के नाम पर बल। सऊदी पत्रकार जमाल खगोशी के मंगेतर ने टर्की की अदालत में सौंपी सीआईए रिपोर्ट, नए सबूतों और केस में बड़े खुलासे करने वाली रिपोर्ट्स को भी शामिल करने की गुहार। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च और स्थित अल नूर मस्जिद में हमले की धमकी देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 2019 में अंधाधुंध गोलीबारी में शख्स ने की थी 50 से अधिक लोगों की हत्या। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी, सेना की गोलीबारी में 38 प्रदर्शनकारियों की मौत पर दुनिया में बवाल। अटलांटिक महासागर की तेज लहरों में फंसे 31 नाविकों को अमेरिका और कनाडा की संयुक्त टीम ने डूबने से बचाया, कोस्ट गार्ड के हवाई दस्ते ने की कड़ी मशक्कत।